कम से कम पैसों में घर कैसे चलाया जाता है, फिर ऐसा गले में हाथ डाल के हम आराम से बातें करते हैं फिर। अब हम करेंगे Q&A राउंड। पूरा मैं बोलूं? नहीं, पूरा मैं बोलूंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमास लाइफ एंड लिविंग। और मैं हूं प्रतिमा। और मैं हूं केदार। मेरे बगल में श्रिया रहती है, लेकिन आज केदार है। श्रिया सो रही है। हाँ, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मुझसे और केदार से रिलेटेड आए हैं। अच्छा, मुझसे रिलेटेड है क्या? मतलब आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा, पूछा मुझसे, लेकिन मैं प्रश्न करूंगा और ये जवाब देंगी। वाह, असिस्टेंट टू असिस्टेंट। हाँ, कभी कभी असिस्टेंट भी बनना चाहिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक्स। माय गॉड, इतने क्वेश्चंस पूछते ही जा रहे हैं लोग आज की डेट तक भी। तो मैंने ये सोचा है कि ये जो Q&A जो राउंड रहेगा, ये 2 parts में आएगा। अभी मैं पार्ट 1 कर रही हूँ और नेक्स्ट मंथ में करूँगी पार्ट 2, क्योंकि एक ही व्लॉग में यानी कि एक ही वीडियो में इतने सारे क्वेश्चन लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है मेरे लिए। सो अगर आप लोगों को भूख लग रही है या चाय वाय पीनी है या फिर आपको कुछ काम करना है, लेसन वेसन छीलना है, तो आप लोग लेके बैठ जाओ और मेरी जो है कथा सुनो। मैं आप कथा सुनाने वाली हूँ, शुरुआत कर रही हूँ। अच्छा, अपन रैंडम स्टार्ट करते हैं जो सामने है वो क्वेश्चन से। हाँ, सो फर्स्ट वन। क्वेश्चन है आशु एंड तेजू। शो ओके, शो का नाम है। टी व्हाट यू टेक इन 11th क्लास, साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स, एंड आपने वीडियोस एडिट करना कहाँ से सीखा? आपने वीडियो एडिट करना कहाँ से सीखा? एंड व्हिच ऐप डू यू यूज फॉर एडिटिंग? लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम नागपुर। ओके, सो आर यू आशु एंड तेजू? ओके, आशु एंड तेजू, आपको बता रही हूँ मैं कि मैंने 11th में लिया था कॉमर्स सब्जेक्ट और मेरा कॉमर्स था कॉमर्स विथ टैक्सेशन। हमारे उस टाइम पर दो रहते थे फैकल्टी, एक मैनेजमेंट रहता था, एक टैक्सेशन रहता था, तो मैंने टैक्सेशन लिया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इनका क्या था कि मैंने वीडियोज़ कहाँ से एडिट करना सीखा? किसी से भी एडिट करना नहीं सीखा। मैंने एक ऐप, जब मैं मोबाइल से वीडियो शूट करती थी तो मोबाइल में मैंने एक वीडियो एडिटर डाउनलोड किया जो मुझे, जिसकी रेटिंग सबसे ज़्यादा दिख रही थी, वो मैंने शायद वीडियो एडिटर ऐसा कुछ डाउनलोड किया था उस टाइम, और उसी से मैं एडिट करती थी। उसके बाद मैंने वंडर शेयर, फिल्मोरा, अब मैं उस एडिटर से अपनी वीडियोज़ को एडिट करती हूँ। मैंने कहीं से एडिटिंग सीखी नहीं, मैंने सब कुछ खुद से ही सीखा, खुद पची हूँ बहुत भयंकर भयंकर तरीके से। कई बार तो वीडियो है ना जो है तो बना लेती थी पूरा, और पब्लिश करने के टाइम कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ जाता था तो पूरी वीडियो कई बार मिट भी गई है। दो दो बार बनाई भी है मैंने, एडिट भी किए, बहुत बहुत लफड़े झेले हैं मैंने। तो वो सब झेलते झेलते वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, सोना तपता वो तपने वाली बात होती है। आप जाके खुद सीखा है सब कुछ, इन शॉर्ट सब कुछ खुद ही सीखा ए से लेके जेड तक। तो मैंने एडिटिंग ऐप भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन है सबीना इम्तियाज। ओके, हाय सबीना, हाउ आर यू एंड योर फैमिली? हैप्पी ऑलवेज, प्लीज आंसर प्रतिमा। यस, आई एम योर बिगेस्ट फैन। ओके, थैंक यू सबीना, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव टू यू। फैमिली हैप्पी ऑलवेज। एक ही फंडा है कि हम तीनों जो है ना, बाकी तो जो हर घर में होता है वो हमारे घर में होता है। सब सब घर में प्यार भी होता है, झगड़े भी होते हैं, है ना, वो सब हमारे साथ भी होता है। बिल्कुल, बाकी कैमरे के सामने थोड़ी हम झगड़ा करेंगे कोई। अच्छे से होता है।
और श्रिया और मुझ में भी बहुत होता है, मुझ में इसमें भी बहुत होता है और इसमें श्रिया में भी बहुत होता है। हाँ, उसकी भी एक अलग वीडियो बन सकती है। बट ये जरूर है, हम लोग आपस में भी ये बात करते हैं कि बाकी सारी फैमिली से भी हम लोग जैसे देखते हैं दूसरों की लाइफ में, उतना ज्यादा हमारे घर में हम लोग बहुत ज्यादा खुश और मजाक और फन करने में ज्यादा बिलीव करते हैं। हम लोग मैक्सिमम टाइम इसी मोड में रहते हैं। और ये जो चीजें जो अभी केदार ने बोली वो भी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो चीजें होती नहीं है, बट हाँ मैक्सिमम टाइम हम लोग खुश रहने की कोशिश करते हैं। और हम जो हो गया, जैसे अभी मैंने इनसे झगड़ा किया और मैं अगले पल इनसे अच्छे से भी बात करने लगती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं, मतलब मुझे नहीं लगता केदार की अपनी शादी के बाद अपन ने दो दिन या एक दिन पूरा बात ही नहीं की, ऐसा कभी नहीं हुआ। ना श्रिया के साथ हुआ, ना मेरे साथ, मतलब हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया। झगड़ते भी हैं, रोज भी झगड़ते हैं और रोज फिर मस्ती भी करते हैं। चलो, दिस इज द फैक्ट। अगले क्वेश्चन पे है नीतू शर्मा। ओके आंटी, आप श्रिया दी को इतना प्रोडक्टिव कैसे रखते हो? बड़ी मुश्किल से रखते वो इतनी अच्छी कैसे है, कैसे पढ़ाई है, पढ़ाई में? टिप्स फॉर एग्जाम। देखिए एक चीज मैं बताती हूँ, श्रिया है ना, जो भी चीज करती है वो परफेक्शन से करती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं कि वो मेरी बेटी है तो मैं उसकी तारीफ कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ वो गलत कुछ करती है वो भी मैंने ऑन स्क्रीन आप लोगों से शेयर किया है। वो आलसी प्रकृति की, ये उसका नेगेटिव पॉइंट है, बट वो पढ़ाई में अच्छी है, वो अपनी चीज़ों को कंप्लीट करती है, वो टारगेटेड रहती है। अगर वो एक चीज़ के पीछे पड़ जाती है तो वो जुनून से पीछे पड़ती है, जब तक ख़त्म ना कर दे उसके पीछे पड़ जाती है और उसको ख़त्म करके छोड़ती है। उसमें बैड क्वालिटीज़ एज सच नहीं है, उसको मालूम है सही क्या है गलत क्या है। बहुत सारी इस एज की लड़कियाँ, वो एक पॉइंट आता है ना जब वो उनको जो चीज़ करनी है करनी है, पेरेंट्स से कुछ शेयर नहीं करना, इस टाइप का नहीं है उसका एटीट्यूड। शेयर तो हमने ना उसको बचपन से हम लोगों ने हर बातें उससे शेयर की हैं, कुछ ऐसा नहीं रखा कि उससे छुपा के रखें। हाँ। या उसको कोई चीज ऐसी फील नहीं होने दी कि ये चीजें हम पेरेंट के सामने नहीं बोलना है, ऐसा हम सब बातें खुल के करते हैं। और उसको बहुत धका धका के भी हम लोग प्रोडक्टिव, वो कभी कभी जब उसको आलस आता है ना भयंकर, तो बस वो सबसे फिर वो बादशाह है उसमें, आलस में बादशाह है, आलस की बादशाह भी है वो। और कभी कभी उसको बहुत पुश करना पड़ता है और कभी कभी वो अपनी मर्जी से जो काम करती है वो तो बहुत अच्छे से करती है। वो दोनों बातें हैं, वही जो सब जैसी आप होगी, जैसे सब बच्चे होते हैं, कुछ अपनी मर्जी के काम बहुत अच्छे से करना और कुछ तो फिर बिल्कुल ही नहीं करना, कोई कुछ भी बोल दे फिर ये रहता है। आ जाए अगले पे। हाँ, ये अगला है, पेज पलट दिएगा। यस। हाँ, तो ये है अविका शर्मा, ये पूछ रहे हैं कि हाय आंटी, आई एम अविका। मुझे लगता सब लड़कियों ने इनके, हाँ इनके क्वेश्चंस हैं, दो तीन नंबरिंग करके हैं कि एडिटिंग एप्स यू यूज, वो मैंने बता दिया है, बता चुके हैं। व्हाट वाज द मोटिव ऑफ ओपनिंग दिस चैनल, ये मैं बताऊंगा अभी। और अगला आखिरी है, हाउ टू ग्रो योर चैनल लाइक दिस चैनल। ओके, मतलब उनको अगर किसी को ग्रो करना हो तो देखिए, मैं भी अभी ग्रोइंग स्टेज पे। एक बार 2014 मैं यूएस गया हुआ था, तो वहाँ जिसके घर में हम रह रहे थे बहुत सुंदर बहुत बड़ा घर था, तो मैंने एक अपना वीडियो एक छोटा सा बनाया मोबाइल से और प्रीति को भेजा, वहाँ से सेंड किया कि देखो हम लोग यहाँ पे रुकेंगे अब अगले 3 महीने के लिए। हाँ। फिर जिनके यहाँ रुके थे उनने पूछा कि आप कहाँ रहते हो कैसे रहते हो, तो प्रीति ने भी एक घर बना का वीडियो बनाया हुआ था या शायद उसके बाद बनाया, और क्या किया था? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था कि इनने मुझे फोन पर मतलब वीडियो कॉल किया और बोला कि हम इस घर में रुके हैं, ये घर बहुत ब्यूटीफुल है, तो मैं इसका वीडियो तो मैं भेज रहा हूँ। तो इन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा, देन द पर्सन जिनके घर में ये रुके हुए थे, शी आस्क्ड हिम कि आपका घर कैसा दिखता है, मतलब आप कहाँ रहते हो, क्या है क्या नहीं, मतलब इनके आई थिंक इनके साथ के आर्टिस्ट थे, उनने पूछा था कि यार तेरा घर कहाँ है, तू भोपाल में कहाँ रहता है, ये वो। तो इन्होंने बोला कि मेरा ऐसा ऐसा यहाँ मैं रहता हूँ, और उन्होंने घर तू भी भेज बताना अपने वाइफ से, बोल भेजेंगे वीडियो। तो इन्होंने मुझे बोला कि मुझे ना घर की एक क्लिप बनाकर भेज दो। तो सबसे पहले एंट्रेंस की इन्होंने क्लिप भेजी थी, क्योंकि द पर्सन हु वॉज आस्किंग हिम कि कैसा एंट्रेंस है, क्योंकि हमारे एंट्रेंस में तो जगह नहीं, तो इन्होंने बोला नहीं हमारे एंट्रेंस में काफ़ी जगह है, अच्छा प्रोवाइड किया है बिल्डर ने। तो ऐसे करके मैंने घर की एक वीडियो बनाई और मैंने इनको उसी मोमेंट पे सेंड कर दी।
देन आई थॉट कि उस टाइम मेरे पास है ना नया नया टच स्क्रीन का मोबाइल आया हुआ था, तो मुझे बड़ा क्रेज था क्योंकि उसके पहले मेरा वो छोटा वाला मोबाइल होता ना जिसमें कोई नेटवर्क नहीं चलता वो था। तो टच स्क्रीन का जो मोबाइल था जो केदार ने मुझे पुराना दिया था, अपना खुद ने नया लिया था। ए, बहुत टाइम तक तो यही हुआ जब मैं नया मोबाइल लूँ तो फिर मेरा वाला इधर पास कर दो। हाँ, यही चलता रहा बहुत समय तक। हाँ, तो मेरे पास वो जो मोबाइल है तो उसमें ना YouTube ऑलरेडी डाउनलोडेड था क्योंकि केदार ने किया था। तो मैंने देखा कि यार YouTube, मतलब मुझे ही पता था कि YouTube पे कुछ वीडियोस होती, कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती, बट आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ कि उसमें कुछ होम डेकोर से रिलेटेड वीडियोज भी होती हैं, जो लोग व्लॉगिंग करते हैं ये सब भी कुछ होता है, ऐसी भी कोई दुनिया है। तो मैंने उसमें देखा, आई केम अक्रॉस वन वीडियो जो कि फॉरेनर की थी एंड वो क्लीनिंग वीडियो बनाती हैं। सो क्लीनिंग मोटिवेशनल वीडियो मैंने उनका देखा एंड शी इज़ लव मैग। मैं उनका नाम बहुत ही रिस्पेक्ट से लेना चाहती हूँ क्योंकि मैंने उन्हीं से इंस्पिरेशन ली। मैं वो सब चीज़ें करना बचपन से ही पसंद करती थी, करती है हमेशा से वो चीज़ थी। हाँ, लेकिन वीडियो बना के डालने का आइडिया उनसे मिला। हाँ, सो मैंने सोचा कि यार मैं ये काम बेस्ट पॉसिबल वे में कर सकती हूँ। और वेरी ऑनेस्टी से बता रही हूँ मैं आप लोगों को कि उस टाइम I was not aware of any income, कि इससे इनकम होती है, इससे आपके व्यूज बढ़ते हैं तो ऐसा होता है, सिल्वर प्ले बटन आता है, ये सब कुछ मुझे नहीं मालूम था। जस्ट मुझे अपने घर का एक वीडियो बनाना था, मुझे कुछ काम करना था जो मैं करती हूँ, और मुझे फ्रेंड्स बनाने थे ऑल ओवर वर्ल्ड में, लोग मुझे जाने, बस मेरा यही मकसद था। एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम दैट डे। और वन वीडियो जो मैंने इनको सेंड की थी सेम आई पोस्टेड ऑन माई चैनल। मैंने अपना चैनल क्रिएट किया विद द नेम प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग एंड आई पोस्टेड दैट वीडियो ऑन दैट चैनल। एंड पहली बार में यार इतने सारे व्यूज आ गए, उस टाइम 500 व्यूज आ गए थे एक दिन में। तो मैं सोच रही थी यार मतलब लोगों को इतना अच्छा लगा, मतलब उस टाइम मुझे बड़ा इजी लगा था। लोग देखते हैं। हाँ, ऐसा मुझे उस टाइम बड़ा इजी लगा था कि बड़ा इजी है वीडियो बनाओ डाल दो। लेकिन बाद में समझ में आया नहीं यार बहुत मेहनत लगती है, वीडियो बनाओ और उसको एडिट करो, देन ये करो, देन वो करो, दुनिया भर का झमेला है इसमें। तो वो सब भी मैंने किया एंड ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो इनका लास्ट जो क्वेश्चन था कि हाउ टू ग्रो चैनल लाइक दिस। सो आपको जो भी बेस्ट लगता है आप वो करो, बिल्कुल सही बात बोल रही हूँ मैं आप लोगों से, बिलीव मी। आपको जो लगता है बेस्ट करो, YouTube लगता है YouTube करो, जो लगता है वो बेस्ट पॉसिबल वे में करो, आपको डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगी हर चीज़ में। और कितना पेमेंट मिलता है, पैसा कमाना है, ये सोच के चैनल बिल्कुल भी मत खोलना। अपना काम दिखाने के लिए चैनल खोलना, पैसा सेकेंडरी चीज़ होती है फ्रेंड्स, वो तो आ ही जाएगा। काम अच्छा करोगे पैसा तो आ ही जाएगा। कई लोग मुझसे पूछते हैं कितना पैसा कमाएंगे अगर हमने ऐसे वीडियो डाले। पैसा कमाने के लिए कभी भी काम मत करिए, पर्पस मेन आपका जो रहेगा ना उसके अकॉर्डिंग आपका चैनल चल पाएगा, उतने लेवल तक जा पाएगा। अगर पर्पस ही पैसा कमाना है तो मुझे नहीं लगता कि चैनल उतना चलेगा। आपका पर्पस होना चाहिए कि जो आप कर रहे हो अगर वो बहुत सचमुच का बहुत अच्छा है, जैसा भी है वो आपको लगता है कि सबको देखना चाहिए, तो आप वो काम करो, पैसे तो आ ही जाएंगे बाद में। बिल्कुल। नेक्स्ट है RS Goodworld, ये बोला कि आपके अंदर घर की क्लीनिंग करने में एनर्जी कैसे आती है, प्लीज आंसर। ये क्वेश्चन मुझसे सब लोग पूछते हैं कि मैं क्लीनिंग मोटिवेशनल वीडियोस, इतनी मेहनत, ये सब कैसे बना कर सकती हूँ। और कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा है कि हम 3-4 साल से जो आपका चैनल देख रहे हैं, उस टाइम पर जब 3 साल या 4 साल पहले इतने क्लीनिंग वीडियोस इंडिया बेस्ड नहीं थे, मतलब इंडिया के लोग नहीं बनाते थे, फॉरेनर्स के ही थे ज़्यादातर, तब से हम आपका देख रहे हैं, आप तब से वो कर रहे हो। एनर्जी किसी भी चीज़ में एनर्जी कब आती है, जब हमें उसमें इंटरेस्ट होता है। आपको अगर कुकिंग में इंटरेस्ट होगा ना तो आप इतना सारा खाना बना के रख दोगे, सामने वाला देखता रह जाएगा किसने अकेले इतना कैसे कर लिया। तो सिंपल सी चीज़ है, हर चीज़ के पीछे इंटरेस्ट। इनका इंटरेस्ट कैसा है मैं बताता हूँ, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन का एक्सप्लेनेशन देखना, सही सही बताना। जैसे सोफा यहाँ रखा हुआ है, अगर इसका एक कोई तकिया थोड़ा सा आधा इंच जैसा सरक जाएगा तो वह आके देखेगी, फिर उससे समझ में आएगा कि ये आधा इंच सरक गया है, तो ये उसको वापस वहीं का वहीं वैसे रख देगी। ये उसका बेसिक नेचर, बेसिक इंस्टिंक्ट इसका ये है बचपन से।
तो ये वो करती रहती है दिन भर, उसको कोई चीज जगह से हटी दिखी और उसने जगह पे की। मुझे ये याद नहीं है कि मैंने किस एज से ये सब करना शुरू किया। मेरी मम्मी पापा बताते हैं मैं बचपन से, बहुत छोटी सी थी ना तब से मैं घर को जमा के रखना, सजा के रखना, पापा ने टॉवेल यहाँ पटक दिया या पापा के साथ झगड़ा भी कर रही हूँ, पापा आपने सामान यहाँ फैला दिया और जूते पहन के आ गए घर में। सो मेरे पेरेंट्स ने भी वो चीज देखी है और उन्हें पता नहीं मुझे बहुत सारी चीजें बता रखी हैं। शादी हो रही थी ना कि मम्मी यही बोलती थी कि ये है बेटा, ये बहुत सफाई में ही लगी रहती है, इसको और कोई काम नहीं है, दिन भर सफाई करती रहती है, इसको भी खाना वाना बनाना नहीं आता लेकिन ये सफाई करती रहती है। मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी जब इससे शादी हुई थी। और मम्मी की बात की है तो मैं एक चीज बता दूं, और बहुत सारे लोगों ने पूछा है मम्मी से रिलेटेड को, तो उसका नाम तो मैं ऐसे नहीं ले, हाँ लेकिन इस वीडियो के लास्ट में आप देखिएगा मैं सबके मैसेजेस का एक स्क्रीनशॉट डालूंगी, वो जरूर चेक करिएगा। सो मम्मी से रिलेटेड तो मैंने मैक्सिमम चीज़ें या कह लो कि सारी चीज़ें अपनी मम्मी से सीखी। मेरी मम्मी मैनेजमेंट में बेस्ट बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। कम से कम पैसों में घर कैसे चलाया जाता है, घर को कैसे रखा जाता है, कैसे मैनेज की जाती हैं चीज़ें, बिना कोई चीज़ें लैप्स किए, बिना कोई आपको कि ये काम छूट गया या ये काम खराब हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ लाइफ में। शी इज़ अ परफेक्शनिस्ट आई टेल यू, एंड वो पूरे हमारे जितने लोग पहचानने वाले हैं वो भी बोलते हैं हमारी मम्मी का मैनेजमेंट सुपर। उनसे मैंने सीखा है मैनेज कैसे किया जाता है हर चीज़ को, वही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। सो हो गया आंसर आई थिंक। चलो अगले पे आए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष्मान दत्ता। आंटी आप अंकल से पहले आपकी कोई बीएफ बॉयफ्रेंड था? यूनिक है भी लिखा है वही बताओ। यार मैं बहुत सीधी सादी लड़की रही हूँ शुरू से, वो पहले तो बहुत ही रिजर्व नेचर की थी, बहुत कम बोलना, मतलब कम अपने साफ सफाई में लगे रहना। मेरा बॉयफ्रेंड हमेशा साफ सफाई रहा है। ये इतनी ज्यादा ऐसी है बोल रही है, बहुत स्ट्रिक्ट। अभी भी इतने साल हो गए शादी का, अभी भी मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। हस्बैंड हो ना अब बॉयफ्रेंड कैसे हो सकते, मतलब नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और मैं बॉयफ्रेंड बनाने में बिलीव भी नहीं करती थी। मुझे ऐसा लगता था ये सब टाइम पास है, जब जो मुझे लगता था वही बता रही हूँ। बॉयफ्रेंड बनाना कुछ गलत नहीं है, बट मुझे जो लगता था उस टाइम पर, मुझे ये लगता था ये सब फालतू का टाइम पास है, टाइम वेस्टेज है, एंड आपके लिए कोई ना कोई भगवान ने बेस्ट एक पार्टनर सिलेक्ट करके रखा हुआ है, जो भी आपकी डेस्टिनी में होगा वो आपको एक दिन मिल ही जाएगा। सो मुझे भी मिल जाएगा, मेरी जो डेस्टिनी में है मिल गए, जो किस्मत में लिखा है वो मिल गया, कोई नहीं बदल सकता। यस, तो मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ती थी और मैं थोड़ा स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन भी हूँ, तो मैं मतलब पता नहीं, मैं फैमिली में रहना, स्पिरिचुअलिज्म में बिलीव रखना, और क्या बोलते हैं घर की साफ सफाई करना, मम्मी की हेल्प करना, और बहुत ही प्रोडक्टिव रहती थी। मैंने बहुत जल्दी 9th क्लास से अर्निंग करना भी शुरू कर दी मम्मी पापा की हेल्प करने के हिसाब से। तो मैं पार्ट टाइम ट्यूशन्स लेती थी और पढ़ती भी थी। सोचिए 9th क्लास से मैं कमाई की तरफ गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कमाना भी जरूरी। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में रहती थी। बॉयफ्रेंड तो कहाँ दिमाग में आएगा, कुछ नहीं आएगा। और जिनके जिन फ्रेंड्स के होते भी थे ना, तो मैं सोचती थी कि यार दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, मैं ऐसे ही सोचती थी। और हम लोग जब पुणे में थे, हाँ ये क्वेश्चन है ना ये क्वेश्चन है ना आपने गलत मुझसे पूछा। मुझसे पूछना था, इनसे पूछना चाहिए था कि मुझसे भी कोई ऐसा आंसर नहीं मिला, लेकिन है कुछ तो ठीक ही है, अच्छा है, सुनने लायक है। जब हम लोग पुणे में थे तो वहाँ एक जेड ब्रिज है पुणे में, एक वो जो भी पुणे के लोग हैं उनको पता होगा, मालूम है वहाँ पे एक जेड ब्रिज है। तो हम लोग शाम को, हमारा हॉस्टल वहीं पास में था डेक्कन में, तो मेरे जो साथ के जो लड़के थे हम लोग वो जेड ब्रिज पे शाम को हमेशा है, हमारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी वहाँ पे,
लेकिन वहाँ जेड ब्रिज पे है ना, वहाँ पे कपल्स ही बैठे रहते हैं बहुत सारे, और जितना हम एक डेढ़ घंटा घूमते थे वहाँ और लोग बैठे बैठे बात करते थे, हम लोग यही बात करते थे यार ये इन लोगों को क्या बातें करते हैं, ये इतनी सारी इतनी देर तक ये बातें करते रहते हैं, और हमको लगता था हे भगवान कब हमारी भी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन नहीं हुई। So sad. हुई भी होगी तो यही लगता था कि हुई भी होगी तो अब क्या फर्क पड़ता है। नहीं हुई ना, ये तो दुख की बात है। दुख की और नहीं तो क्या, फोकट घूमते रहते थे हम दोस्ती दोस्त लोग वहाँ पे। पूरा मालूम कल्चर ऐसा है कि दोस्त दोस्त साथ में घूमते हैं तो वो लोग हंसते हैं कि दोस्त आना है। हाँ हाँ समझ गए, सब 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 आपकी भावनाओं को समझ गए। ऐसा ही है पूरा। अच्छा सुनो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जूनाक्स फन वर्ल्ड का क्वेश्चन है। अच्छा मुझे नहीं दिखा। हाँ वो बोल रहा है कि एक रैपिड फायर। ओके सो ये आई थिंक 21 मिनट्स अभी ऑन कैमरा हो गया है, तो हम ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और बाकी सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत होइएगा, मैं अगले पार्ट में लेके आऊंगी और इस वीडियो को लास्ट में जब देखेंगे तो सबके जो मैसेजेस है वो मैं स्क्रॉल डाउन करके बताऊंगी। चलो फटाफट दे आंसर। हां ओके सो ये है जूनाक्स फन वर्ल्ड, इनने पूछा है रैपिड फायर। ओके असम और मणिपुर बोथ, दोनों ही जगह नहीं गई हूं मैं, मुझे दोनों जगह जाना है। यस असम के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं। मैं भी बता दूं क्या? हाँ भी बता। असम असम और मणिपुर दोनों ही बहुत अच्छी जगह हैं। हाँ। और जब मैं पुणे में था ना एक मणिपुर का फ्रेंड था मेरा और असम का अभी है फ्रेंड, तो मेरे लिए भी यही आंसर हो गया। और बहुत सारे व्यूवर्स असम से हैं तो मणिपुर के भी होंगे, लेकिन इन जगहों का तो हम लोग सपने देखते हैं जाने के। नॉर्थ ईस्ट कभी नहीं गए हम लोग, कभी नहीं गए, प्लीज बुला लो हम लोग को, बुला लो। साउथ बहुत गए हैं हम लोग, इंडिया के बाहर बहुत जगह गया हूँ मैं, साउथ बहुत गए, लेकिन मैं नॉर्थ ईस्ट नहीं जा पाया अभी तक। यस आई विश की जरूर आएंगे। यस आई विश की वो दिन जल्दी आए जब मैं नॉर्थ घूमूं। चलो नेक्स्ट। कॉफी और टी? टी। टेक्स्ट और कॉल? कॉल। iOS और एंड्रॉइड? एंड्रॉइड। हां मुझे iOS का भी शौक इसलिए क्योंकि अभी तक iOS यूज ही नहीं किया। क्या तो चाहिए, एक विश लिस्ट है वो। ओके वीडियो और वॉइस कॉल? वॉइस कॉल। वॉइस कॉल उसमें कंफर्टेबल रहता है। क्या अपने एनी टाइम चड्डी बनियान में पहन के मतलब मैं अपना बता रहा हूं हम लोग ऐसे कुछ भी कैजुअल कपड़े पहनते, पता चला वो वीडियो कॉल आया था और फिर बनियान में घूम रहा था, ऐसा लगता है भगवान आप इसको काटो। फर्स्ट टाइम मैं कोई वीडियो कॉल करता तो मुझे बहुत गुस्सा भी आती क्योंकि आपने कोई टेक्स्ट नहीं किया कि हम वीडियो कॉल करने वाले हैं और मैं अब खाना बना रही हूं पसीना पहुंच रही हूं ये वो, नहीं वीडियो कॉल इज नॉट कंफर्टेबल ऑल द टाइम। हां जब नोन पर्सन है और उससे पहले बात हो जाए या तब वीडियो कॉल कंफर्टेबल रहेगा हमेशा। चलो नेक्स्ट इज मूवीज और बुक्स? मूवीज एनी टाइम। लैपटॉप और स्मार्टफोन? स्मार्टफोन। इंस्टा और व्हाट्सएप? व्हाट्सएप। उसके आगे फिर उनका रैपिड फायर नहीं है, उन्होंने पूछा है कि फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कोई भी। यार बहुत डिफिकल्ट है, मेरी एक्ट्रेसेस और एक्टर सब बदलते रहते हैं, बट अभी मुझे अक्षय कुमार की मूवी मेरा पूछोगे तो ये बिना एक सेकंड का देर किए नाम ले देगी, ये हीरोइन और ये हीरोइन। कोई नहीं आपका तो स्लोगन है ना, आप कोई हीरोइन के बारे में मत पूछो, सभी पसंद है। यार सब अच्छा एक्टिंग करती है। एक्टिंग? एक्टिंग। ओह माय गॉड। देख फिल्म में आई है तो हीरोइन तो अच्छी होगी, नाना पाटेकर तो होंगी नहीं। हे भगवान। मुझे अभी अक्षय कुमार मेरे फेवरेट है अभी काफी टाइम से। सलमान खान भी इसका फेवरेट है। सलमान खान भी फेवरेट हैं। आई विश कि मैं कभी इन लोगों से मिल पाऊँ। मैंने अपने पिछले क्यू एन ए में बताया है कि मुझे फोर पीपल से मिलना है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर चेक करिएगा कि वो कौन से फोर पीपल है जिनसे मिलना चाहती हूँ, और भी उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के मैंने आंसर दिए जो जनरल क्वेश्चन है, सो आई विल नॉट बी टेकिंग दोज क्वेश्चन क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी कर चुके हैं क्यू एन ए में। ए सी और फैन? ए सी। स्मार्ट वॉच और वॉल क्लॉक? वॉल क्लॉक। अब बहुत अच्छी अच्छी देखी है, सब खरीद नहीं पाए हैं अभी, बहुत अच्छी अच्छी देखी है। कितने कितने की थी वो? 25,000। 50,000। सुंदर सुंदर
बस उनको देख के और डीबी वॉन्स मुझे लगता है टाइम मुझे लगता है पैसा वेस्ट है. इतना भी इतने भी एक्सपेंसेस नहीं करने चाहिए, अननेसेसरी लगते हैं मुझे तो. जितने भी काम हो जाए बेस्ट हो, मैं बहुत सेटिस्फाइड रहती हूँ. कैमरा और फोन कैमरा, फोन कैमरा हैंडी रहता है क्योंकि बस इतना ही. और फिर आई एम योर बिगेस्ट फैन उन्होंने लिखा है. थैंक यू जुनाक्स फन वर्ल्ड. हाँ ये वाला एक क्वेश्चन और ले लेते हैं रानू राजपूत का, क्योंकि ये क्वेश्चन आया तो है कि ये भी रैपिड फायर है. सो फर्स्ट सूट और साड़ी, सूट लॉन्ग हेयर और शॉर्ट, लॉन्ग रोज और मैरीगोल्ड. यार दोनों ही अच्छे हैं. रोज रोज बट रोज हाँ खुशबू के कारण. कितनी अच्छी खुशबू है. सीरियल्स और कार्टून, सीरियल्स तो उतने ज्यादा पसंद नहीं. सीरियल्स टीवी पे, कार्टून तो साथ में ही. कुछ भी है. दो कार्टून, एक मैं और एक श्रिया. इतनी कॉमेडी करते हैं उसको कार्टून देखने की जरूरत ही नहीं है. क्लीनिंग और कुकिंग, क्लीनिंग. नॉन वेज और वेज? वेज. नॉन वेज, मैं तो वेज. हाँ ये इसको वेज पसंद है ज्यादा. अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यारों. ये जो सब्सक्राइब बटन है इसको ग्रे कर दो. अगर ग्रे है तो उसको वैसे ही रहने देना, कुछ मत टच करना, छेड़ना मत उसको, ताकि आप मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस देख सको. बहुत तरह तरह की वीडियोस मैं लेकर आती हूँ, टेकोर वीडियोस, क्लीनिंग वीडियोस एंड बहुत सारे हैक्स. तो इसी तरीके से मेरी वीडियोस को देखते रहिए. और क्वेश्चंस अगर और पूछना चाहते हैं तो पूछते रहिए, सबके आंसर्स मैं देने की कोशिश करूंगी. चलते हैं, भूख लग रही है बहुत जोर से, बहुत देर हो गई. चलो तो अब हम लोग बाय. चूहे कूद कूद के मर गए. बहुत हाथी चूहे सब कूद रहे हैं, बिल्ली बिल्ली सब, कुत्ते भी हैं. ये भगवान सारे जानवर. भूख लग रही है बहुत तेज. ओके सो बाय बाय बोलते हैं फ्रेंड्स. सो बाय बाय एंड टेक केयर.